मध्य प्रदेश में 28 सीटों को लेकर जुबानी जंग इस समय पर तेज हो चुकी है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, लेकिन नेता बोले जा रहे हैं। एक महिला प्रत्याशी के संबंध में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भोपाल में अपना अनशन लेकर मौन धारण करके वहां पर बैठ गए। उसी दौरान सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जहां गोविंद राजपूत प्रत्याशी हैं, वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा के दौरान इस बात को लेकर क्या कहा, आप सुनिए। उस मात्र शक्ति के बारे में, उस नारी शक्ति के बारे में मंच पर खड़े होकर कमलनाथ कहते हैं, ये आइटम है। आज कमलनाथ जी आज डबरा में सभा करने आए थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक अवध टिप्पणी आपके लिए की है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, उनका बोलना स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है, और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को नौ देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है, और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। वो मुख्यमंत्री के पद से हट गया तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा, तो बाको हम क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में, जो आपने इंदौर में देखा होगा, किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। साथ ही एक और टिप्पणी की गई थी कि इमरती देवी के साथ में आपका नाम जलेबी के नाम से भी संबोधित किया गया था। इस अभद्र टिप्पणी के लिए आप उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनको मैं जयकर, वो भी महिला की इज्जत नहीं करना चाहती। उनने अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करी, माँ को और अपनी बहन को लाते मार के बाहर निकाला। तो आप पूरे मीडिया ने चलाया, पूरे पेपर ने लिखा, विधानसभा में भी इनकी इतनी खींचातानी भाई के वोट बना बना के आदमी लेकर विधानसभा में दिखा रहे थे कि अपनी माँ को कैसे खचूर के बाहर कर रहे थे, और कहूँ थाने बहन को भिजवा रहे, कहूँ माँ को थाने भिजवा रहे। उस व्यक्ति का क्या वो है, लोकसभा हारा, फिर विधानसभा हारा, प्रतिपक्ष का नेता था मध्य प्रदेश का, तो भी एक बार जीत के ही बता देता इमरती के बारे में क्या बोलेगा। इमरती की जनता इमरती से प्यार करती है, इमरती जनता से प्यार करती है, और मैं फिर अपना फिर वर्चस्व बनाऊंगी। क्या लगता है कांग्रेस इन जो अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी सरकार फिर से बना सकती है? मैं बताऊं, सरकार का वो एक विधायक नहीं जिता सकते। आप मंचन से ऐसे बोलोगे तो हमारे क्षेत्र में वो आके इस तरीके से बोल रहे, वो भी मध्य प्रदेश, वो भी चंबल संभाग की महिला, हरजन महिला से ऐसे बोल रहे कि वो एक आइटम है। आइटम क्या होता है, वो तो यही जवाब दे दे कि आइटम होता क्या, उसकी माँ और बहन आइटम होगी बंगाल की, तो हमें ये पता थोड़ी है।